इंतजार कर रहती है खबर और बग्गा साहब आ चुके हैं। सर अभी अभी खबर जो आ रही है वो खबर ये आ रही है कि रशिया की सेनाएं क्रीमिया से थोड़ा पीछे की तरफ अपने बेस पर वापस जा रही है, वो अपना काम मिलिट्री विलिट्री जो भी वो क्या बोलते हैं उसको ड्रिल वगैरह कंप्लीट करके, ये खबर आती हुई दिख रही है। और दूसरी खबर जो आई थी सुबह सुबह वो ये कि अगर सब कुछ ठीक रहा, युद्ध नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते अमेरिका और रशिया के बीच में बात होगी। इन दोनों खबरों को कैसे देखा जाए, कितनी पॉजिटिव है, कितनी भरोसे के लायक है, बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए भरोसा तो इतना है कि जब पिछली बारी 2008 में और 2014 में जब आक्रमण किया था रशिया ने, पहले उसके पहले भी एक्सरसाइजेस की थी, इस तरह की एक्सरसाइजेस करके उसके बाद पहले जॉर्जिया फिर क्राइमिया पे किया था, तो इससे भय भी था यूरोप और यूएस, इसी कारण मार्केट भी गिर रहे हैं, वॉलिटिलिटी बहुत हाई है। अब पॉजिटिव जो खबर सवेरे आई, एक तो था कि सोवियत रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिलना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है डेट बताइए, तो अगले हफ्ते के अंत के करीब उन्होंने डेट दी है और यूएस ने फिर उत्तर दिया हाँ हम मिलेंगे, अगर आपने इन्वेजन नहीं किया तो जरूर मिलेंगे। कमला हैरिस को भेजा गया यूरोप में। कल मैं अनिल जी एनालाइज कर रहा था कि ये आर्मीज की क्या सिचुएशन है, तो अगर आप देखिए तो ज्यादा आर्मीज है नहीं नेटो के पास, जैसे यूके की आर्मी है 1.5 लाख की, फ्रांस की आर्मी है 1.5 लाख लोगों की, 2 लाख लोग हैं जर्मनी की आर्मी, लिथुआनिया लैटविया इस्टोनिया वगैरह की जो बात कर रहे हैं लोग, 7,000 लोग हैं उनकी आर्मी में टोटल, तो ये जो 8,000 लोग बाइडेन ने भेजे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर डेटरेंट है यूएस का, जो आज सवेरे F-35 और F-19 लड़ाकू विमान भेजे गए हैं, और F-35 ऐसे हैं जिन पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स डाले जा सकते हैं, उनको जर्मनी के एक बेस में भेजा गया अमेरिका से, तो तैयारी हो रही है कि अगर यूक्रेन ये करते हैं तो शायद नेटो की और कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये एस्टोनिया वगैरह में 7,000 की कुल आर्मी है, तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है अगर रशियन आ जाते हैं, तो ये डर है सबसे बड़ा मार्केट को कि ये बढ़ ना जाए। बट जहां तक मेरा विश्लेषण है कुछ नहीं होगा, बट यूएस ने जो इस बारी की स्ट्रैटेजी की है वो बार बार चिल्ला चिल्ला के हर फोरम में यही कह रहे हैं कि ये रशिया धोखा देगा और रशिया इन्वेट करेगा, जिससे कि पुतिन की जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी विफल हो गई है अनिल जी। उनकी स्ट्रैटेजी यही थी, वो चेस खेलते हैं बेसिकली, तो कहते कुछ हैं करते कुछ और है। जैसे कल आपने पूछा था ये ग्रेनेड यूक्रेन क्यों मार रहा है, उसके बाद आप पता लगा कि एक किंडरगार्टन में जिसमें 20 छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे भी थे, वहां पे रशिया का गोला एक आया, रशियन रेबल्स जो हैं, ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने कुछ ग्रेनेड मारे, रशिया खुद करके यूक्रेन को ब्लेम कर रहा है। तो यूएस ने यही कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन करेंगे। फॉल्स फ्लैग क्या है, यूक्रेनी बनके ये गोली बारूद अपने रेबल्स के ऊपर ही मारेंगे और उसके चलते रशिया इंटरवीन करेगा। तो ये जरूर है कि यूएस के पास ऐसी इंटेलिजेंस है, इंटरसेप्ट है, और बाइडन के नीचे क्या हो रहा है कि बाइडन बहुत जल्दी इसको डीक्लासीफाई कर रहे हैं। पहले ओबामा के टाइम ये लोग सोचते ही रह गए कि ये करेगा नहीं, बहुत बड़ा स्टेप है क्रीमिया पे, ये आक्रमण नहीं करेगा। अब इनको पता है कि पुतिन कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये चिल्ला चिल्ला के यूएन में हर जगह यही बोल रहे हैं कि अभी आया इन्वेजन। यूक्रेन का जो सिक्योरिटी हेड है उसने कल कहा जी कुछ इन्वेजन नहीं होगी, सब ठीक है। यूक्रेन के जो विजुअल्स आ रहे हैं टीवी वगैरह पे, लोग अपना रोजमर्रा का काम चल रहा है, रशिया में भी सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं हम एक मूल के लोग हैं, यूक्रेन और रशियन एक ही हैं, यही है कि बीच में एक बॉर्डर आ गया, तकसीम हो गए दो देशों में, बट हैं हम एक और बहुत रिश्तेदारी है दोनों में, तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा। और यहां से अब डिप्लोमेटिक हल आज भी फिर मैं कहूंगा जो कल बोला, फिनलैंड की तरह बनना पड़ेगा, नेटो में मत जाइए, न्यूट्रल रहिए यूरोप में और बफर जोन दीजिए रशिया को। जी सर, ये आपने जो सारी बताया ना कि 2 लाख की सेना यहाँ की, नेटो की 1.5 लाख की, बंसल जी तब से आश्चर्य कर रहे हैं, बंसल जी कह रहे मुझे तो यही नहीं पता मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं, वहां की सेनाओं की गिनती तक याद है, तो कैसे कर लेते हैं आप?
मतलब इतना हमें हमें अच्छा मुझे पूछो एग्जैक्टली नंबर मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय कितने, मुझे शायद पता नहीं होगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। मतलब इतना थोड़ा इस लेवल तक, अच्छा एकाध देश की नहीं, सारे सारे देशों की। सर गजब है, आम तो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए ये आपके लिए बगर साहब की तरफ से ये जो खबरें आई है इनके ऊपर कुछ और विस्तार